नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट टोटल स्पिरिचुअलिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? जो जिंदगी में नाम कमाना चाहता है, यश चाहता है, शक्ति, पावर, अथॉरिटी, प्रमोशंस चाहता है, जो जिंदगी में फेमस होना चाहता है, रुतबा अपना बढ़ाना चाहता है, मान सम्मान प्रसिद्धि पाना चाहता है, वो पुरुष हो या नारी, जो भी ये चाहता है उसको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, योर सन इज इन डेबिलिटेशन या खराब है, तो भी आप 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। सूर्य यदि आपके कुंडली में ठीक नहीं है तो होता क्या है, आपको मान सम्मान मिलने में देरी होती है, बाधाएं आती हैं, आप योग्य हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता, और आप समझने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं इतना परिश्रम करता हूं, अथक परिश्रम करता हूं, बुद्धिमान हूं, इंटेलिजेंट हूं, मेहनती हूं, लेकिन फिर भी मुझे यश प्राप्ति क्यों नहीं होती है, क्यों मुझे मान सम्मान नहीं मिलता समाज में, और क्यों मेरे प्रोफेशन में मुझे प्रमोशन नहीं मिलते हैं। प्रमोशंस ड्यू है, लगता है कि मिलने वाला है लेकिन लास्ट मोमेंट में नहीं मिलता है। परिश्रम करता हूं, व्यायाम करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, वॉक करता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी मुझे डायबिटीज है, क्यों? यदि आपके सूर्य चार्ट में ठीक नहीं है तो डायबिटीज जैसे चीज आपको हो सकती है। डायबिटीज के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य ये दोनों आपके मणिपुर चक्र रिबकेज के नीचे और नाभि के ऊपर जो है सोलर प्लेक्सस, जठराग्नि, अग्नि जहां प्रदीप्त ना हो, तो बृहस्पति और सूर्य, यहां बात कर रहे हैं हम सूर्य की। यदि सूर्य में शक्ति में कमी हो तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बीपी फ्लक्चर कर सकता है क्योंकि हीट जो बॉडी में इम्बेलेंस हो जाता है, जैसे पानी उबलता है हीट से, वैसे खून भी उबलता है या ठंडा होता है, तो यदि उत्ताप शरीर में ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, गुस्सा आने लगता है। सूर्य खराब हो तो आप बहुत अहंकारी भी हो सकते हैं। कई बार लोग योग्य नहीं होने के बावजूद ये चाहते हैं कि उनको बहुत मान सम्मान मिले, उनको बुद्धि काम ही नहीं करती कि मान सम्मान के योग अपने आप को बनाना पड़ता है। तो सूर्य ठीक नहीं होने से इस प्रकार की चीजें हो जाती है, आदमी परम अहंकारी हो जाता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, समझता है कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा पराक्रमी कोई है ही नहीं, ये मन में सोचता है। तो खाली ऐसे सोचने से आप हो नहीं सकते हैं। सूर्य को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मतलब सूर्य को शक्ति को यदि ज्यादा है तो उसको बैलेंस करें, कम है तब भी बैलेंस करें, ज्यादा है तो कम करें, कम है तो ज्यादा करें, लेकिन अगर मिड पॉइंट पे आए, व्यवस्थित जिंदगी, संतुलित जिंदगी जिए। सूर्य आपको ठीक रहेंगे तो आप मान सम्मान को, नेम फेम को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अचानक आप पाते हैं कि आपकी जो कदर नहीं हो रही थी आपके ऑफिस में, अभी कदर होने लगी, लोग आप रेस्पेक्ट करने लगे, ये लगता है कोई जादुई चीज है, लेकिन शक्तियां होती हैं, रुद्राक्ष की ऐसी शक्तियां होती हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो जरूर आपको पदोन्नति होगी, आपके डायबिटीज के जो इशू है उस पर आपको मदद मिलेगी, मान सम्मान की बुद्धि होगी, और यदि आपके स्वभाव अहंकारी स्वभाव की है, आप बहुत आत्म केंद्रित हैं, ईगो सेंट्रिक हैं, तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगा और आप एक संतुलित जीवन यापन करने के अधिकारी हो पाएंगे। 12 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर सकते हैं। यदि गले में पहनते हैं तो ध्यान रखें कि छाती में आपके हृदय के नीचे की तरफ जो सोलर प्लेक्सस है नाभि के ऊपर, थोड़ा सा लंबा धागा रखें और पहने, लाल रंग का धागा पहनेंगे या सफेद रंग का धागा से पहनेंगे तो फायदा होगा। आप चांदी के भी या गोल्ड के भी पहन सकते हैं, चेन में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। आप यदि हाथ में पहनना चाहते हैं तो यदि आप राइट हैंडेड हैं तो उसको दाहिने हाथ में पहने, बाएं हाथ में पहनने की भूल ना करें,
कोई फायदा नहीं करेगा। ये यिन यांग प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपका है यिन, ये आपका है यांग, ये इस पे पहनना है, राइट हैंड में पहनना है। आप इसको रिस्ट में पहन सकते हैं, ब्रासलेट की तरह पहन सकते हैं, पेंडेंट की तरह गले में पहन सकते हैं, या बाजू में भी बांध सकते हैं, बाजू में बांध सकते हैं। रुद्राक्ष पहनते हुए सतर्कता क्या बरतें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाएं। यदि मोबाइल फोन आप रखते हैं पॉकेट में, ना रखें। ये परहेज करें आप। ये नहीं कि आप मांस मांस खाना छोड़ दें या शराब पीना छोड़ दें, इसकी बारे में हम मोरालिस्ट एथिक्स की बातें यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड द बॉडी। इसको धर्म से ना जोड़े रुद्राक्ष को, रुद्राक्ष की महत्ता को समझें। ये कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर को ट्रांसेंड करता है। लड़का, लड़की, बूढ़ा, बूढ़ी, बच्चे सब पहन सकते हैं रुद्राक्ष। जो भी चाहता है यश, जो भी चाहता है नाम, जो भी चाहता है ख्याति, 12 वर्षीय रुद्राक्ष जरूर पहने। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं आप, www.astrologyrecommendation.com, या ऑनलाइन 12 वर्षीय रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो आप लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। ये रुद्राक्ष जब आपको हम भेजेंगे, उसके बाद में आपको हम समझाएंगे इस रुद्राक्ष की शक्ति को किस प्रकार से आहरण किया जाए, किस प्रकार से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत लोग रुद्राक्ष मार्केट में बेचते तो हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं कि रुद्राक्ष काम कैसे करता है, कैसे आपके सेलुलर मेम्ब्रेन पे ये डाउनलोड करते हैं एनर्जी को, किस प्रकार से आप मुद्राएं सीख कर और चक्र को बैलेंस कर ये रुद्राक्ष के शक्ति को अपने अंदर समा सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये गुर, ये सीक्रेट्स आपको शेयर करेंगे हमारे व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मित्रों को बताइए, दोस्तों को बताइए, हितेश या जिसका भी हितेशी है उनको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, 13 मुखी रुद्राक्ष जो कहलाता है कामदेव, जो ऐसे आकर्षण पैदा करता है कि आप बिना बोले लोग आपसे मोहित हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंस से ही दूसरे आदमी मोहित हो जाते हैं, मतलब इंप्रेस हो जाते हैं। अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसे मिस्टिकल रुद्राक्ष, तो देखते रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, 13 मुखी रुद्राक्ष। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, खुश रहिए, तेजस्वी बनिए, यश प्राप्त करें, समृद्ध रहें। नमस्कार।